पोपट भाई, कुछ दशक पहले मैं बैंक के स्टाफ कॉलेज में काम कर रहा था। वेतन आराम से रहने के लिए ठीक ठाक था। हम धारा 88C अब 88 के तहत आयकर को कम करने के लिए PPF और NSC में निवेश करते थे। हमारा कार्यालय 5वीं मंजिल पर था और तहखाने में प्रशासनिक कार्यालय था। प्रिंसिपल का कार्यालय हमारी पहली मंजिल पर था। मार्च के अंत, शायद 28 मार्च, मैं एक दिन मुझे कान से तहखाने में जाना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारी श्री वैभव, जिन्होंने हमें एक बहुत ही तेज इंसान के रूप में प्रभावित नहीं किया था और हम हंसी हंसी में उन्हें पोपट कहते थे, मुझे देखा और पूछा कि मेरी बचत इतनी कम क्यों है और मैं इतना अधिक आयकर क्यों चुका रहा हूँ, लगभग 40%। हमारे बीच निम्नलिखित दिलचस्प बातचीत हुई। मैं अधिक बचत कैसे कर सकता हूँ? बहुत मुश्किल से तो मैं 3,000 रुपये, मेरा एक महीने का वेतन को बचा पाता हूँ। पोपट, डॉक्टर साहब, ये बहुत कम है। आपको अधिक नहीं तो कम से कम 10,000 रुपये बचाने चाहिए। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने खर्चों को और अधिक कटौती नहीं कर सकता। पोपट, नहीं नहीं, आपको खर्च में कटौती करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आश्चर्य से, तो कैसे बचा सकता हूँ? पोपट, क्या आप जानते हैं कि हमारे बैंक NSC पर ऋण देता है? मैं, हाँ, लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे इससे लाभ क्या है? पोपट, आप जानते हैं कि आप अपने NSC के 90% तक 12% ब्याज पर कर्मचारी ऋण प्राप्त कर सकते हैं? मैं, लेकिन मुझे NSC पर केवल 12% मिलता है, लाभ क्या है? पोपट, यदि आप अपने 3,000 रुपये के NSC पर 90% ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो हुआ रुपये 2,700, इस पर आपको 40% की आयकर छूट मिलती है, जो हुआ 1,080 रुपये। आपका क्या कहना है, हम लाभ 50-50 शेयर करेंगे? मैं, लेकिन ऋण लेने में परेशानी बहुत है। पोपट, क्यों, मैं आपको फॉर्म देता हूँ, आप इसे भर दें। प्रधानाचार्य पहली मंजिल पर हैं, वो आज ही हस्ताक्षर कर सकते हैं। मैं, लेकिन मुझे NSC खरीदने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना होगा, कक्षाओं में व्यस्तता के कारण मुझे ऐसा करने का समय नहीं है। पोपट, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी NSC एजेंट है, वो कल आपको NSC दे सकती है। मैं, ठीक है। उसने मुझे ऋण प्रपत्र लोन फॉर्म दिया, मैंने उस पर हस्ताक्षर किए और कक्षा में चला गया। वैभव ने अन्य विवरणों को पूरा किया, प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर कराए और अगले दिन शाम को उन्होंने मुझे 2,700 रुपये का NSC देकर कुछ उम्मीदों के साथ मुझे देखा। मैंने उसे 500 रुपये और धन्यवाद दिया। पोपट, डॉक्टर साहब, क्या एक ही बार खेलिएगा? मैं, क्या मतलब? पोपट, आज केवल 29 मार्च है, साल के अंत होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका, उसे फिर से धन्यवाद दिया। मन ही मन मुस्कुराते हुए मुझे एहसास हुआ कि पोपट भाई एक मूर्ख नहीं था, जैसा कि हमने उनके बारे में सोचा था। कुछ सवाल भी दिमाग में कौंधे, अगर पूरे साल इस खेल को खेलता तो कितनी बचत होती? क्या वह बचत साल भर के आयकर से भी अधिक होती? क्या होगा अगर दूसरों भी यही गेम खेलें? इस तरह के अन्य कितने गेम खेले जा रहे हैं देश में? और एक झकझोर देने वाला सवाल, आखिर आयकर शासन का उद्देश्य क्या है?